समाज सेविका और बिग प्रोड्यूसर इरम फरीदी का जन्मदिन 10 अगस्त को पड़ता है। वैसे इस खास दिन का लोगों को बहुत इंतजार होता है, क्योंकि बड़ी ही शानदार पार्टी जो होती है। कल इरम फरीदी जी के बर्थडे पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई दी। वैसे इरम फरीदी जी को सादगी बहुत पसंद है। आपको बता दें कि इरम एंटरटेनमेंट के बैनर तले एक साथ 4 फिल्में बना रही है, तो कई बड़े सितारे भी नजर आए। एक जो सबसे खास बात रही कि कल इस दिन पूरे दिन भर जगह जगह लोगों ने केक काट कर इनके लंबे उम्र और सफलता की दुआएं मांगी, और इस अवसर पर कुछ लोगों ने अपने इंटरव्यू में इनके लिए अपने विचार रखे। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। क्या कहना चाहेंगे, पहला विश किसने किया और आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करना है? पहला विश मेरे भाई ने किया, हिमेश दीक्षित कम है, आज टुडे यू कम, इसने मुझे सबसे पहले विश किया था। ये हमेशा मेरे साथ रहता है, मुंह बोला भाई है, लेकिन एक ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इसने मेरे लिए किया है। और मेरी मम्मी, सबका फैमिली एंड इतना प्यार मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है इंसान बन के मैंने कितना अच्छा, मतलब इतना पुण्य किया है। एंड यस, आई वॉन्ट टू फॉलो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक आई डज ऑलवेज, और मैं चाहती हूँ इस तरीके से मैं अपने काम करती रहूँ। और हमारे पीसी मित्र प्रवीण चंद्र जी जो आ चुके हैं, और जो चीटिंग की है जो आ चुके हैं, और बहुत अच्छे से हमारी फैमिली फ्रेंड्स और काफ़ी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, और उनके लिए भी जो चीटिंग करते हैं मेरे साथ, चलो जाओ माफ़ किया, लेकिन आईज ऑन यू। और हिमेश चीटिंग किया, सबसे पहले विश किया, भाभी से फोन स्विच कर, फोन करवाया कि कोई विश ना कर सके। अच्छा, चीटर है, चीटर। नो, जी, आज बर्थडे के साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, दो फिल्म रिलीज होने वाली है, और पॉसिबिलिटी कैसे के लिए आप शूट पर जाने वाली है, अगर उस बारे में कुछ बताया। बिल्कुल, अब तुम जरूर जा रहे हो, अब तुम प्लीज आ जाना प्लीज। अभिलाष चौधरी इज माई फिल्म हीरो, हमारी फिल्म शादी बास उधर अभी पोस्टर भी लगा हुआ, उसका स्टैंड भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं, हमारी फिल्म आने वाली है और इसी साल हम उसको शूट करने वाले हैं दिसंबर में, और हमें अपनी हीरोइन की तलाश है, और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, इसकी म्यूज़िक पे भी काम हो रहा है, और सुधाकर शर्मा जी और जैसे बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर ने भी इसमें अपना काम किया है, और फैज़ अली वागले जो कि हमारे मित्र हैं, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आई एम रियली सुपर एक्साइटेड, सबका प्यार है, मुंबई ने इतना प्यार दिया है मुझे, आई एम इन लव विद मुंबई। ऑल्सो जब आप नए साल में प्रवेश करिए, क्या क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं लाइफ में, जो लास्ट ईयर जो नहीं हुआ वो इस साल क्या कुछ होने वाला है? मैं ये चाहती हूँ कि इस साल ना ये मिस अभिलाष चौधरी जो अभी मेरी फिल्म में एक्ट करने वाले हैं, वो इतना अच्छा काम करें मेरी फिल्म में जो मैंने चाहा है, मुझे पूरा भरोसा है ही इज़ गोइंग टू डू सच अ ब्रिलियंट जॉब, क्योंकि मैंने इनमें जो एक्ट देखा है, जो कैरेक्टर देखा है, ही इज़ द बेस्ट। शादी बाद से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, आज तो मतलब ये जो दिन है, आज तो सिर्फ और सिर्फ इरम के नाम है, आज उनका बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे इरम, आज हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सो रही बात बाकी के कामों की, जो हमारी फिल्म आने वाली है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी सफल फिल्म साबित होगी, बहुत अच्छा सभी लोग का रिस्पांस है, जो हम सब पूरी टीम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब हमेशा हर साल उसको पहले विश करता हूँ, लेकिन इस बार चीटिंग हुई है, हिमेश ने विश किया और फोन बंद करवा दिया, तो मैं अब भी उसको विश कर सबके सामने, हैप्पी बर्थडे इरम, एंड आप ऐसे ही खुश रहो, ऐसे माय क्राइम पार्टनर। यस, हम काफी साल से क्राइम कर रहे, क्राइम पार्टनर है, लोगों को बचाया है हमने साथ में। और सरप्राइज ये है, एक सरप्राइज है, सरप्राइज तो सरप्राइज ही होता है ना, तो ऊपर जाके जब आओगे तो आपको सरप्राइज मिल जाएगा, बहुत अच्छा वाला वो भी। हाँ, मैं सबसे पहले दिल से इरम जी को आज के दिन पे बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामना है, और मेरी बहुत सी दुआ है उनके साथ में, उनको हेल्थ, ईश्वर उनको अच्छी सी हेल्थ दे, वेल्थ दे, प्रोस्पेरिटी के साथ में, और जिस तरह का उनको सक्सेस पा रही, अल्लाह उसको और सक्सेस दे। सर, अगर आपकी और उनकी बॉन्डिंग के बारे में कुछ बताया आज की खास। देखिए, मेरी तो छोटी बहन है। सबसे पहले तो मैं बबी किहाड़ा एक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड इवेंट का भी थोड़ा सा काम जानता हूँ। मैं इरम को मेरी सर तीनों कंपनीज की तरफ से और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से बहुत, अमेरिका में, दुबई जाती है वहाँ पर भी, और सभी जगह बहुत पार्टी रहे, हमेशा खुश रहे, और उसकी जितनी भी अपकमिंग फिल्म है, जो भी इवेंट्स है, उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्शन डायलॉग तो मुझे याद नहीं है अभी,
लेकिन फिर भी मैं जिस बर्थडे में आया हूँ इरम अफरीदी साहब मैडम जो है इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद, और ये इनकी इनको और अच्छी लंबी उम्र मिले और ये और अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करें, बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं। हाउ आर यू अनिल जी? सबसे पहले तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इरम का बर्थडे है, हमारी दोस्त है, हमारी प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छी इंसान है, सोशल वर्कर हैं, बहुत सारा काम करती हैं, और हमारी फिल्म मिस्टर चांग जो इतने सारे अवार्ड जीत रही है, हमारी अगली फिल्म शादीबाद सौभाग्य से जिसका मैं राइटर हूँ, तो आज बहुत सारी खुशियों का दिन है और हम चाहते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि मैडम को इरम जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई लाइक टू कॉल इट इट्स इरम्स डे, सो आई एम हियर विद हर टू सेलिब्रेट, और काफ़ी चीज़ें हो रही है, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। दो न्यू शोज आ रहे हैं, एक तो है कैंडिड कन्फेशंस व्हिच इज़ अ टॉक शो, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। शादी बास पे तो काम चल ही रहा है जो इरम के साथ होने वाला है, एंड अनदर वेब सीरीज इज़ गोइंग टू बी कमिंग, इट्स कॉल्ड मिसिंग, आई होप टू सी यू देयर एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे इरम। इरम जी को तो पहले उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और उनके सारे विशेष पूरे हो, जो भी उनकी तमन्ना है, जो भी उनकी ख्वाहिश है, तो सब पूरी हो, ऐसी आज हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। आई थिंक जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं उनके लिए क्या, तो मैं वैसी विश करना चाहेंगे, यानी ऑफकोर्स दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो होती हैं। और क्या हो रहा है अपकमिंग प्रोजेक्ट है कोई? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी दो वेब सीरीज हैं, वो इन द पाइपलाइन है, शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, एंड संजय लीला बंसाली हीरा मंडी, तो वो आई थिंक उसको टाइम है, बट दैट इज ऑल्सो देयर इन द पाइपलाइन।